हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनू तोमर स्वागत करती हूँ आपका अपने किचन में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मसालेदार भिंडी की रेसिपी। भिंडी जो कि पराठा और पूरी से बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो ये भिंडी बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, स्वाद में बहुत ही लाजवाब लगती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने भिंडी ली है आधा किलो। इसको मैंने अच्छे से धो लिया था, उसके बाद पोंछ कर अच्छे से सुखा लिया है और भिंडी को ऐसे दो पीसेस में कट कर लिया है। तो एक भिंडी के मैंने इस तरह से दो पीस बनाए हैं टॉप और बॉटम एरिया निकाल कर। तो ये आधा किलो भिंडी है। और इधर सामान मैं दिखाती हूँ आपको। दो चम्मच यहाँ पर बेसन लिया है, दो चम्मच यहाँ पर लहसुन अदरक हरी मिर्च का पेस्ट, दो प्याज बारीक कटे हुए और दो बड़े टमाटर की यहाँ पर प्यूरी ले ली है मैंने। और इधर एक चम्मच दही, दो पिंच हींग, आधा चम्मच जीरा, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चौथाई चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच यहाँ पर सौंफ पाउडर। और पानी हमें चाहिए आधा कप। और तीन चम्मच यहाँ पर मैंने लिया है मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल। आप जो भी कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं आप उसमें बना सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले भिंडी को रेडी करना है हमें, तो यहाँ पर हम बेसन डाल देंगे और लहसुन अदरक हरी मिर्च का पेस्ट जो लिया है मैंने दो चम्मच लिया है उसमें से एक चम्मच मैं डाल दूंगी। इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा हल्दी पाउडर और रेड चिली पाउडर और अच्छे से सारे मसाले भिंडी पर इस तरह से कुक कर देंगे। ये देखिए अच्छे से सभी मसालों को मैंने भिंडी पर अच्छे से कोट कर दिया है, बेसन भी अच्छे से चिपक गया है। तो अब हम इसे फ्राई करना है। तो एक बड़ा चम्मच ऑयल डाल देंगे कढ़ाई में और अच्छे से गरम कर लेंगे तकरीबन एक मिनट। यहाँ पर तेल अच्छे से गरम हो गया है, गैस को मैंने कम कर दिया है। अब ये जो भिंडी हमने कोट करी है मसाले में और बेसन में, इसे हम फ्राई कर लेंगे। इसे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा, भिंडी की सब्जी बहुत ही अच्छी बनने वाली है। अच्छे से इसे मिक्स करते हुए हमें इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट फ्राई करना है। फाइव मिनट्स हो चुके हैं भिंडी को भूनते हुए। ये देखिए बहुत ही अच्छे से भून चुकी है। और ये यहाँ पर जो बेसन है वो भी आप देख सकते हैं कलर चेंज हो गया, भून गया अच्छे से। तो अब हम इसे निकाल लेंगे प्लेट में। अब भिंडी को मैंने निकाल लिया है और बाकी जो हमने ऑयल बचाया था दो बड़े चम्मच उसे हम गरम कर लेंगे अच्छे से सेम कढ़ाई में। ऑयल अच्छे से गरम हो गया है, गैस को मैंने कम कर दिया है। अब इसमें जाएगा हींग, जीरा, और जैसे ही जीरा चटक जाता है हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज को तकरीबन 3 मिनट अच्छी तरह से भूनना है मीडियम फ्लेम पर। गैस का फ्लेम मैं मीडियम कर रही हूँ, मीडियम फ्लेम पर इसको 3 मिनट अच्छी तरह से भून लेंगे। तीन मिनट हो गए हैं, प्याज देख सकते हैं आप अच्छे से भून चुकी है। अब इसमें हम डाल देंगे लहसुन अदरक हरी मिर्च का पेस्ट जो हमने बचाया हुआ था एक चम्मच, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब गैस को फ्लेम बिल्कुल कम कर देंगे और डालेंगे इसमें सूखे मसाले। तो यहाँ पर जाएगा लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, सौंफ पाउडर और नमक। अच्छे से सूखे मसालों को मिक्स कर लेंगे। गैस को बिल्कुल कम रखें जब भी आप सूखे मसाले मिला रहे हैं, क्योंकि सूखे मसाले जलेंगे अगर आप तेज कर देंगे आंच को। तो ये अच्छे से हमने भून लिए सूखे मसाले। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर की प्यूरी, अच्छे से मिक्स करेंगे।
गैस को अपने मीडियम करेंगे और इसे ढककर पकाएंगे तकरीबन 3 मिनट। मसाले को चेक कर लेते हैं। देखिए मसाला अच्छे से भून चुका है। अब हम गैस को कम रखेंगे और यहाँ पर डालेंगे इसमें दही। दही को साथ साथ कभी कभी चला देंगे अच्छे से ताकि दही फटे नहीं। आधा मिनट चलाएंगे इसी तरह से। अब मसाले में पानी डालेंगे। गैस को तेज कर देंगे और 2 मिनट पकाएंगे इसे ढककर। 2 मिनट बाद मसाले को अच्छे से चला देंगे और अब इसमें डालेंगे भिंडी। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और गैस का फ्लेम लो कर देंगे हम और इसे ढककर पकाएंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट। तकरीबन 6-7 मिनट हो गए हैं। ये देखिए भिंडी अच्छे से बन चुकी है हमारी। कितना बढ़िया कलर आ गया है। गैस को बंद कर देंगे और इसमें डालेंगे गरम मसाला। अच्छे से मिक्स करेंगे इसे। और गर्मा गर्म भिंडी को निकालेंगे सर्विंग प्लेट में। तो फ्रेंड्स, मसालेदार भिंडी बनकर रेडी है। आप इसे ज़रूर फ्राई करें। थैंक यू।